मटिया भूमिका भूमिया था तिका वास्तव रुबा सेन का नाती बूढ़ा इंद्र का नाती बूढ़ी कौंतला का नाती खाती का राजकुमार लाड़ी सूत्र का जया चौक मा हिमाल जा हरि तो हरद्वार जा दौली तो क्यों प्रयाग जा किदार की कोणी बद्रिका भार जा कप्त तो कुंड जा वशु तो धारा जा नीम धर्म का पूरा खटो कर्म का पूरा पलंगारी जोदारे ढाकली का माल वज्र का छिटा त्रिया का लोका माशु का भूका बोड़ा धर्मराज का ध्यान जा चाचा भीम जोदा का ध्यान जा पिता अर्जुन का ध्यान जा शाहदेव की पाटी नकुल की छड़ी का ध्यान जा माता शूद्रा का ध्यान जा दादी धर्मयाली का ध्यान जागे तर लोग जो हम ते पाठ देला पूजा एगिन देवता हरि हरि द्वार हरि जी का कुंडो लेंदन यसे नाण एगिन देवता ऋषि जिया सिरम तब जेगे देवता कुली पाल कोट कुछ दिन देवता कुली पाल कोट रहेगी देवता एगी किकले छुरमा देव बिटिन देवता कोई चुका शेण हंदु एगे देवता असी लोज तो थाद ले ले देवता त्वेन उत पन लांदो देवता असी लोस्तो दोस असी लोस्तो का पंच गणों दापु छोड़ा नन देव गड़ी का चोट पूछो दन देव गड़ी का चोट मेरा बाला घन्याद 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 तब गणों दा पूछों दा
पंचों का दगड़ी मेरा बाला घन्याल तने स्वयं छुई लगे न मेरा बाला घन्याल मेरो मनो लगी चितो मेरा बाला घन्याल लगे उच्च घन्याल धार मेरा बाला घन्याल लगे उच्च घन्याल धार मेरा बाला घन्याल बोले दा बाला घन्याल मेरा बाला घन्याल ये सुना मेरा मैं क्यों मेरा बाला घन्याल मैं ते मटुलावा मंदिर मेरा बाला घन्याल लावा भ्यागो लगे खोली मेरा बाला घन्याल हे सोन देवता मेरा बाला घन्याल दखे लोन हमुन मेरा बाला घन्याल त्वेक भ्यागो लगे खोली मेरा बाला घन्याल तब बोल द देवता मेरा बाला घन्याल ओ मई कला होली मेरा बाला घन्याल डोलो भ्यागो लगे खोली मेरा बाला घन्याल तेरा संग मा चलदा मेरा बाला घन्याल गेला मेरा बाला घन्याल जल्दी राठी भाई मेरा बाला घन्याल चलदा भाई राठी मेरा बाला घन्याल चलदा वीर हनुमंत मेरा बाला घन्याल जल्दी दक्षिण कालिंगा मेरा बाला घन्याल जल्दी मठेड़ा मामाई मेरा बाला घन्याल चलदा वीर कलुआ मेरा बाला घन्याल तेरा संग मा चलदा मेरा बाला घन्याल चला वीर हनुमंत मेरा बाला घन्याल चला बिछवालो मोरे मेरा बाला घन्याल चला भूप सिंह के तुरा मेरा बाला घन्याल चला अजीब दे पुंडियारे मेरा बाला घन्याल चला चिमनियाटा मोटा मेरा बाला घन्याल चला चिमनियाटा मोटा मेरा बाला घन्याल कटदा भ्यागो लगे खोली मेरा बाला घन्याल चली उच्च घन्याल धारे मेरा बाला घन्याल चे उच्च घन्याल धारे मेरा बाला घन्याल 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 जय श्री घन्याल देवता के भाई बंधु हम जे परदेश मनना वे परदेश को नोचे उत्तराखंड उत्तराखंड ते देवभूमि का नौ से भी जाने जाने असली मां यह कण कण मां देवदेवताओं को वास छे और प्रत्येक देवदेवता की अपने अपने गौरव गाथा छे पर आज हम जे देवता की बात करना छा उंग नोचे इष्ट देव श्री घन्याल देवता श्री घन्याल देवता का थान मंदिर उत्तराखंड में जगह जगह छे लाखों लोग श्री घन्याल देवता का भक्त छे भक्तों को विश्वास छे कि जग जग श्री घन्याल देवता पूजे जानू वक्त कोई रोग दोष और संकट नहीं आ सकदू और यह बात सच भी छे जग जग श्री घन्याल देवता का मंदिर छे वक्त सुख शांति और समृद्धि छे पौराणिक गीत अर्जुन श्रुति के अनुसार श्री घन्याल देवता भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और महान धनुर्धर अर्जुन का पुत्र वीर अभिनेचन जो कौरव द्वारा चक्रव्यूह में धोखा से मरने का बाद दैविक रूप से जनकल्याण में समर्पित हो गए देवभूमि उत्तराखंड आने से पहले श्री घन्याल देवता इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली में रहना छा पर जब दिल्ली में पाप बढ़ने लगे गौ हत्या होने लगी तो घन्याल जी का सुझाव पर शिव शंकर पार्वती बद्रीनाथ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं एक सभा करी और सभी देवता दिल्ली छोड़ी हिमालय का ये सुंदर भूभाग यानी कि केदार क्षेत्र में आ गए श्री घन्याल देवता जब दिल्ली पर चले तो सबसे पहले हरिद्वार आए और हरिद्वार होने का बाद देवप्रयाग आए देवप्रयाग का बाद क्विलीपालकोट गए क्विलीपालकोट में उनका लिंग खंडित होने की एक घटना का बाद श्री घन्याल देवता लुस्तु बड़ेरगढ़ धार ढुंसिर समेत उत्तराखंड का तमाम क्षेत्रों में गए श्री घन्याल देवता टीरी पौड़ी चमोली समेत सारा गढ़वाल कुमाऊं का उन क्षेत्रों का भी इस देव छन जग जग उनकी पूजा होंगी घन्याल देवता को थान ऊंचा बद्रीनाथ धाम विच जग बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल का रूप में विद्यमान छन फिलहाल हम आपते श्री घन्याल देवता का टीरी गढ़वाल की पट्टी क्विली पालकोट व लुस्तु बड़ेरगढ़ का ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा पर ले चलता
देवप्रयाग से गजावाली रोड पर लगभग 55 किलोमीटर दूर छे गोताचली से जब तक गाड़ी को करीब 12 किलोमीटर पैदल को बाटो छे। तो ये अपन देख लो कि अब हम घनियाल का मंदिर का बिल्कुल करीब छा और ये बिल्कुल सामने मंदिर छे और यहां के बाद हम अपने सीधे मंदिर में ले चलो चलो। तो श्री घनियाल देवता का भक्त लोग आप पहुंच गए वो ऐतिहासिक मंदिर में जे मंदिर में आएते हैं जे जगह पर आएते हैं घनियाल जी सबसे पहले स्थापित हुए छा यू टिहरी गढ़वाल का पट्टी कुली और पालकोट को वो ऐतिहासिक मंदिर छे जबकि घनियाल देवता को यू लिंग छे और यू लिंग भी किले की यू खंडित लिंग छे और एक कहानी का रूप में एक घटना का रूप में ये लिंग का टुकड़ा हुए छा और टुकड़ा जे दिशा में गिरी घनियाल देवता जी हुए दिशा में गए और वक जाते हूँ मंदिर बनी वे क्षेत्र में प्रकट हुए गए जनु की लुस्तु ब्रायगढ़ धार ढुंसित और गढ़वाल कुमाऊं जग जग मंदिर जन देवता का वही कहानी यह चीज कि एक लिंग का हिस्सा होने के बाद देवता वहीं दिशा में जाते हैं बस गए और वक का लोगों के दुख दूर करने लगे। तो ये ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम जब समिति का लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि लगभग 600 साल पुराने मंदिर छे और ऐतिहासिक जो लिंग 600 साल पहले मु ऐछो घनाल का रूप में एक अपने आप जो लिंग मु पैदा हुए छो वो लिंग आज वही हालत में वही दशा में वह मौजूद छे। लुस्तु ब्रायगढ़ पहुंचने से पहले जब देवता कुली पालकोट बड़ी चली तो पहली किलकिलेश्वर महादेव पहुंची। किलकिलेश्वर महादेव को भव्य प्राचीन मंदिर लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा पुराण छे। मंदिर का महंत के अनुसार किलकिलेश्वर महादेव को मंदिर पांडव पुत्र अर्जुन द्वारा बनाया गया छो। बदुनन की सिद्धि प्राप्त करना था अर्जुनन अलगनंदर का ये तट पर शिव शंकर की तपस्या करी छे और शिव शंकर जी ने खुश हुए थे यही स्थल पर अर्जुन ते दर्शन दिन छा सिद्धि प्रदान करी छे। बाद में अर्जुन द्वारा शिव शंकर की याद में किलकिलेश्वर महादेव को मंदिर बनाए गए। युवी गढ़ जो आज मात्र खंडर का रूप में रहेगी यु स्थान पहले देवगढ़ी का नौसी जने जन छो यखिमु देवता को धान छो। तो लेवा अब आप लोग पहुंच गए लुस्तु का वह ऐतिहासिक मंदिर में जो घनियाल देवता को ऐतिहासिक मंदिर से घनियाल धार मो और घनियाल देवता ने सबसे ज्यादा प्रिय घंटी घंटियों के देखा म्यूल दो घनियाल देवता कई मंदिर ते बनाने में यख 80 लुस्तु का लोग आप योगदान दिन छो और लगभग 250-300 साल करीब पुराण ये मंदिर छे और मंदिर में हमेशा ये मंदिर की खासियत अच्छी कि यख पूरा लुस्तु का लोग जितने भी जाति का लोग होला सब मिलजुल दिखते हैं घनियाल देवता की जात पूजा कर देना और सबको इष्ट देव घनियाल देवता जी। यख हर 6 साल में छोटी जात और 12 साल में बड़ी जात होनी और जी जात में सिर्फ हमारा देश ही का नहीं बल्कि जो विदेश में भी और घनियाल का भगत छन तो जात में जरूर होना और घनियाल देवता का भक्तों को विश्वास कि घनियाल देवता हर एक आदमी की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण कर देना।
या सारी घनियाल की भूमि च और लुस्तु बडेरगढ़ में जगह जगह घनियाल का मंदिर छ, तो उखिमा एक मंदिर विच जगनो च धरती घनियाल। यो मंदिर बडेरगढ़ रोड पर यानी कि श्रीनगर रोड पर रास्ता में छे और एक अपने महत्व से छे। यो स्थान मंदिर खाल छे, यख बने यहां से अपने घनियाल देवता की सीमा शुरू हो जाती। और जब भी लोग प्रदेश में घर में या घर बटी प्रदेश में तो ये मुसरी घनियाल देवता को नोली देता है अग्नि प्रदान। घनियाल देवता का चमत्कार उन तो कुछ लिखित साहित्य में होने के कारण घनियाल का अधिकांश चमत्कार लापता हो गए, पर जो बचा चंद वो मंगे एक यो बहुत बड़ा ढांग बिच जो दुई फाड़ हुई मुझे। आपन देखियो पत्थर ये की बहुत ऐतिहासिक कहानी चे। जब घनियाल देवता एक बार जाता में आना चाह तो ये पत्थर हम बोल देना कि यह एक पिचास समझो और पिचास यह आने वाला हर बच्चा था हर आदमी तंग कर चो ऊपर दोष कर चो। तो एक बार जब यात्रा में घनियाल आना चो तो एक भक्तों घनियाल से प्रार्थना करी कि देवता हम तो ये पिचास से मुक्ति ला दी। तो देवता प्रकट हुए उन अपने कटार लेनी और यह उन्हें उन कटार फेंकी और तय डाला का दुई हिस्सा हो गए और पिचास मर गए। और वेद्र में आज तक यू डोलू बिल्कुल दुई फाड़ पाचे यह मौजूद छे। और ये वह ऐतिहासिक जगह चौंधार जब देवता यख एक छोटे बालक पर प्रकट हुए तो एक बैठे थे बालक ने सबसे पहले डोलो को चौंध और चौंधों की हरियाली बनाई। यह वह जगह